नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। जी हां, बिहार विधान परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट कल आने वाला है। कल काउंटिंग होगी और आज प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं कि 24 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें अब कल रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी और अब जो नतीजे आएंगे किसके पक्ष में होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। एनडीए बनाम आरजेडी चल रहा है। अगर सीधे सीधे कहें तो एनडीए में जिस तरह से बीजेपी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं और एक सीट आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोजपा को मिला है, ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी को। तो बनाम आरजेडी यानी आरजेडी 23 सीटों पर लड़ रही है और एक सीट उसने माले को दिया है। तो ये इक्वेशन है, हमने आपको बताया। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक खबर बताने जा रहे हैं, एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव के नतीजे कल आने हैं लेकिन आज एक बड़ा दावा किया गया है और ये दावा पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या है, क्या दावा किया जा रहा है। जीत के लिए हाथ तक कटवाने के लिए तैयार हैं और दावा करने वाले कौन हैं ये बताएंगे। पहले आप उनका बयान सुनिए। तैयारी अजय सिंह एमएलसी प्रत्याशी के लिए हो चुका है। अजय सिंह जीत गए और जो 12 वर्ष तक इस प्रतिनिधि को धोखा देने का काम किए हैं उनको प्रतिनिधि नकार चुका है। अजय सिंह जीत चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट लेना बाकी है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अगर अजय सिंह नहीं जीतेंगे तो अपना दहिना हाथ काट करके गंगा में फेंक देंगे। अभी वोटिंग नहीं हुआ, आप कैसे बोल दिया अजय सिंह जीत गए? ये जो जनता बोल रही है, जो प्रतिनिधि बोल रहा है, जो प्रतिनिधि का आवाज आ रहा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये जो नरेंद्र सिंह जो ड्रामा कर रहे हैं, गुड्डू ज्यादा काफी है, ये ड्रामा अब खत्म हो चुका है। एक कौम के लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए कहीं भी अजय सिंह अजी संजय सिंह नहीं है। अजय सिंह का जीत सुनिश्चित है, अजय सिंह जीत चुके हैं। तो सुना आपने कि साहब दावा कर रहे हैं कि अगर एमएलसी चुनाव में, ये मामला है मुंगेर विधान परिषद सीट का जहां पर आरजेडी उम्मीदवार अजय सिंह की जीत का दावा किया गया है और ये दावा करने वाले जो शख्स हैं आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि अगर अजय सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं नहीं जीते तो मैं अपना हाथ, दाहिना हाथ काट कर गंगा में फेंक दूंगा। फिर से एक बार सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं मुंगेर विधानसभा परिषद सीट से आरजेडी के जो जिलाध्यक्ष हैं संजय सिंह अपने उम्मीदवार अजय सिंह की जीत के दावे में, सुनिए। तैयारी अजय सिंह एमएलसी प्रत्याशी के लिए हो चुका है। अजय सिंह जीत गए और जो 12 वर्ष तक इस प्रतिनिधि को धोखा देने का काम किए हैं उनको प्रतिनिधि नकार चुका है। अजय सिंह जीत चुके हैं, सिर्फ रिजल्ट लेना बाकी है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अगर अजय सिंह नहीं जीतेंगे तो अपना दहिना हाथ काट करके गंगा में फेंक देंगे। अभी वोटिंग नहीं हुआ, आप कैसे बोल दिया अजय सिंह जीत गए? ये जो जनता बोल रही है, जो प्रतिनिधि बोल रहा है, जो प्रतिनिधि का आवाज आ रहा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये जो नरेंद्र सिंह जो ड्रामा कर रहे हैं, गुड्डू ज्यादा काफी है, ये ड्रामा अब खत्म हो चुका है। एक कौम के लोग इस बात को समझ चुके हैं, इसलिए कहीं भी अजय सिंह अजी संजय सिंह नहीं है। अजय सिंह का जीत सुनिश्चित है, अजय सिंह जीत चुके हैं। फिर से कि दावा कर रहे हैं कि वो अगर आरजेडी के उम्मीदवार जो अजय सिंह हैं नहीं जीते तो अपना वो हाथ काट कर गंगा में फेंक देंगे। तो अब साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो खैर इस दावों की हकीकत कल सामने आएगी, लेकिन अब क्या होगा, हाथ कटेगा या बचेगा, ये बड़ा सवाल है। तो छोड़ जाते हैं आप ही पर, कल जब नतीजे आएंगे और अब साहब ने इतना बड़ा दावा किया है तो जब कल नतीजों के बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।